वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग बातें करेंगे कि कौन सी टेक्सचर की पेपर कौन सी ड्राइंग के लिए अच्छी होती है और कौन सी पेपर आपको पेंसिल शेडिंग के लिए आपको चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। मैं यहाँ पे तीनों वेरिएंट के पेपर यूज़ करेंगे। ये है आइवरी शीट। मैं पहले आइवरी शीट के ऊपर आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगा। और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। ये 300 GSM का है और ये पेपर ज़्यादा ही वाइट होती है, बहुत ही क्लियर वाइट होती है एंड स्मूथ टेक्सचर होती है। इसलिए इसके ऊपर जो ड्राइंग आप करेंगे तो स्मूथ टेक्सचर वाली होंगी। अगर आप इसमें पेंसिल से शेडिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर आएगी। ये पेपर ज़्यादातर स्मूथ टेक्सचर, स्किन का जो स्मूथ टेक्सचर होती है उसके लिए इसको यूज़ करती है। पर ये इसमें ज़्यादा डार्क नहीं होती है, ग्राफाइट पेंसिल से आप ज़्यादा डार्क नहीं कर पाओगे क्योंकि पेपर बहुत ही स्मूथ है। इसलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कितना डार्क है कितना लाइट है। मैं दूसरे वाला जब प्रिंट में करूँगा उसके साथ कंपेयर करूँगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये इस पेपर पे कितना ज़्यादा हल्की शेडिंग होती है। बट ये पेपर में बहुत ही अच्छे स्मूथ टेक्सचर रहते हैं। मैं पहले भी बोला हूँ आप स्मूथ स्किन के लिए यूज़ कर सकती है। मैं एक आई ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ इस पेपर में कैसा होता है। मैं दूसरे पेपर में करूँगा, इससे आपको पेपर का वेरिएंट के बारे में पता चलेगा। मैंने एक रफ शेडिंग किया है जिससे मैं इसी तरह का जो आई मैं तीनों पेपर पे मारूंगा। मैं तीनों पेपर के यहाँ पर दिखाऊंगा, तीनों पेपर पे मैं करके दिखाऊंगा। तीनों टेक्सचर की पेपर है और आपको समझ आएगा कि वो कितना ज़्यादा कौन सी पेज पे डार्क हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आ रहे हैं, आपको इससे समझ आएगा। तो इसके बाद मैं एक ऑर्डिनरी A4 पेपर लूँगा जिसमें जेरोक्स होती है, जेरोक्स या प्रिंट आउट के लिए काम आती है ऑर्डिनरी जो A4 पेपर है, इसको मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ। और मैं आपको ये बोलूँगा फ्रेंड्स कि इसमें बहुत ही ज़्यादा डार्क वैल्यू आ जाता है, आईवुड से ज़्यादा आती है। बट आईवुड पेपर की तरह इतना स्मूथ टेक्सचर नहीं आ पाती, देख रहे हैं इससे कितना ज़्यादा डार्क वैल्यू हो गया। मैं दोनों एक ही पेंसिल एक ही लीड यूज़ किया था, 4B लीड, देख रहे हैं। बट स्मूथ आईवुड में ज़्यादा होते हैं। पर अगर आपको ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वाली ड्राइंग करना है तो आपको इस पेपर पे कर सकती है, बहुत ही अच्छा लगता है इस पेपर में करने के। प्राइस भी जो थोड़ा लो है। मैं यहाँ पर भी एक आई ड्रॉ कर लिया। अब लोग मैं दोनों को पास में रखता हूँ, अब लोग देखिए कि कितना ज़्यादा इससे डार्क हुआ है। ये ऑर्डिनरी A4 पेपर है, मैं सेकेंड जो पेपर भी मैं कर रहा हूँ, देख रहे कितना अच्छी तरह इसमें डार्क वैल्यू आ गया और अच्छी तरह शेडिंग भी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक हॉट प्रेस वाटर कलर पेपर ले रहा हूँ। ये थोड़ी सी येलो होता है इसमें, बट इसमें टेक्सचर होती है, बहुत ही अच्छी तरह टेक्सचर होती है और इसमें सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू आता है। मेरे पास जो पेपर है, बट हॉट प्रेस पेपर में ग्राफाइट से काम बहुत ही अच्छा होता है। अब लोग अभी समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको। देखिए इसके अब इसमें देखिए कितना ज़्यादा डार्क हो रहा है। मैं एक ही प्रेशर दे रहा हूँ, एक ही लीड है पेंसिल का, देख सकते आपको समझ आ रहा है मैं क्यों इस पेपर को प्रेफर करूँगा। मैं यहाँ पर भी एक आई ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए तीनों में से आप देख सकती है कि इस पेपर में ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। मैं राफली शेडिंग किया बट फिर भी कितना ज़्यादा डार्क वैल्यू आ रहा है। अब आइवरी का सीड यूज़ कर सकती है अगर आप नॉर्मल स्मूथ टेक्सचर लाना चाहते हैं। बट कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लाने के लिए आपको दूसरा अच्छा कोई पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा। अब वुड पेपर में पेंसिल का जो प्रैक्टिस कर सकती है। और मैं आपको रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए हॉट प्रेस पेपर, कोई भी वाटर कलर का हॉट प्रेस, मैं ब्रांड अगर बोलेंगे मेरे को बोलने के लिए तो मैं बोलूँगा फेब्रेन्यू या आर्चेस हॉट प्रेस पेपर यूज़ करते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप बिगिनर है बिल्कुल मत बाई करना, आप दूसरे में A4 पेपर में इसको प्रैक्टिस करना। अब मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि जो मैंने पेंसिल मैं इसको अगर ब्लेंड करूँगा पेपर में तो आप देख सकती है कि आईवुड में ज़्यादातर पेंसिल का
दाग समझ आ रहा है, ब्लेंड करने के बाद भी अच्छी तरह ब्लेंड नहीं हुआ, ए4 पेपर में थोड़ा सा हुआ है, बट हॉट पेस्ट पेपर में आप देख सकते कितनी अच्छी तरह स्मूथ इसको ब्लेंड कर सकता हूँ मैं, देख रहे ना। और इसका जो डार्क जो वैल्यू है कितना अच्छी तरह हो रहा है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि देखिए आइवरी पेपर में अगर आप लाइन दे रहे हैं तो इतना ज़्यादा डार्क हो रहा है, अगर आप हेयर कटेंगे तो ग्राफाइट से इतना ज़्यादा डार्क हो रहा है, A4 पेपर में उससे ज़्यादा डार्क हो रहा है एज यूजल। एंड हॉट प्रेस पेपर में आप लोग देखिए कितना ज़्यादा डार्क वैल्यू आएगा, आप लोग देख सकते हैं। एक रियलिस्टिक ड्राइंग करने के लिए पेंसिल तो ज़रूरत होती है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पेपर। आप जितनी अच्छी पेपर लेंगे उसमें इतनी अच्छी तरह आपको वो क्या बोलूँ, उतनी अच्छी तरह उसमें आप टेक्सचर ला सकती है, कॉन्ट्रास्ट ला सकती है। और ग्राफाइट का जो पेंसिल है उसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कुछ देखा हूँ, कुछ कुछ लोग होता है फेस तो ड्रॉ कर सकता है, हेयर भी करते हैं, बट फेस में थोड़ा शेडो देने में डरता है अगर फेस खराब हो जाए, पर उससे नहीं डरना। अगर फेस में शेडो तो शेडो होता है, वो डार्क हो या लाइट हो शेडो देना ही चाहिए। अगर आप डरेंगे तो पिक्चर खराब हो जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं। अगर आप शेडो देंगे तभी रियलिस्टिक लगेगा। और आपको शायद समझ में आ गया है कौन सी पेपर अच्छा है रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए और कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए। को हॉट प्रेस पेपर से ऊपर मुझे तो कुछ पेपर नहीं मिला, मैं हॉट प्रेस पेपर में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे करने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर आपको इससे कुछ मदद हुई तो प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और तो कमेंट में जाना ना आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ट्यूटोरियल आप लोगों को अगर चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। पहले मैं बिगिनिंग से शुरू करूँगा, थोड़ी थोड़ी पेपर पेंसिल की समझ दूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा मैं जितना जानता हूँ मैं आप लोगों को टेक्निक सिखाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, एंड जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही वीडियो हफ्ते में 2-3 वीडियो डालता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।